शूट हो रहा है यहाँ पे, शूट हो रहा है बहुत अच्छा, मेरा शूट हो रहा है और फिल्म बनेगी बागी सम्राट कद्दामल खान सिंह के नाम से, जो है दिख रहेगा चम्मल का, बीवी से लंदन बोला था दस्यू सम्राट कद्दामल खान सिंह के नाम से, और यही मैटर रहेगा चम्मल घाटी, आप उसमें ले लो वो किसी नहीं सर, वो सर नहीं नहीं पता है, लेकिन आपको इस किरदार के लिए जब अप्रोच करा गया कि वो उन्होंने फिल्म मेकर ने जब आपको अप्रोच किया आसन भूमि की तरफ आए किसी और आपको बताया कि आप फिल्म का हिस्सा बनिए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? तो मैं समझ में नहीं आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब जो एक से बताओ आप जो ये फिल्म बना रहे हैं उन्होंने जब आप जब वो आप तक पहुँचे और उन्होंने कहा कि आप फिल्म का हिस्सा बनिए जी, तो आपका क्या रिएक्शन था, क्या आपकी प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने कहा कि वो आपको फिल्म में लेना चाहते हैं और ये अहम किरदार? प्रतिक्रिया ये थी कि फिल्म का मसला बहुत दिनों से चल रहा है और कहानी तो कोई भी बना लेता है, वो अपनी कहानी नहीं चाहते थे, उस कहानी को हम ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत ऑफर आए कहानी बनी और उसको ख़त्म कर दिया मैंने, उसको राइट को ख़त्म कर दिया, हम सच्ची फिल्म को चाहते हैं यो आम पब्लिक में फिल्म देखी जाए, क्यों बनते क्यों बनाए जाते, मेरा मकसद ये था। और 100 बीघा ज़मीन जो मेरे गांव की मंदिर की ज़मीन थी उसी से लड़ाई हुई, वो जब मंदिर से ज़मीन अर्जुन सिंह जी ने समर्पण के बाद लगाई लौटाई, हमने अपना हथियार डाल दिया, ये मेरा एक मिशन। दूसरी बात चंबल घाटी पे जहाँ तक मैं रहे कहीं मेरे नाम से और कहीं दूसरा आदमी कोई लफंगा कोई वारदात नहीं कर पाया, क्यों कि कोई बहन बेटी मेरे टाइम पे रात के 12-12 बजे जेवर फेंक निकाली गई। आज मुझे बड़ी शर्म की बात आती है कि आज हमारी बहन बेटी 8 बजे दिन के नहीं निकल पाती, ये पूरे देश की बात, बम्बई की बात नहीं, कहीं का हो चाहे वो मुरैना हो चाहे भिंड हो चाहे ग्वालियर हो चाहे इंदौर हो चाहे कहीं का हो, ये मैटर हमको अच्छा नहीं लगता जो आज अन्याय हो रहा है, इसको अन्याय को ख़त्म होना चाहिए। और जो सीधे रास्ते पे जो लोगों के साथ में गलत बर्ताव किया है, उनकी ज़मीनें नष्ट की, उनको 15-15 साल जेल में रखा, 15-15 साल बेड़ों में रखा, उनके परिवारों को नष्ट किया, घर घर घुमाया, उनको थाने में बंद किया, ये अन्याय जो होता रहा और बर्दाश्त करते रहे, बागी नहीं होगा तो क्या करेगा? आप जैसे आपने कहा कि बलात्कार बहुत बढ़ गए हैं, महिलाओं पे बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इस फिल्म के माध्यम से क्या पैगाम क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा ये है फिल्म का, एक फिल्म का ही नहीं, मेरा मैटर जो है कि मैं अपना जीवन की बात करना चाहते हैं कि जब हम चम्मल घाटी पे रहे तो वो बर्दाश्त नहीं किया मैंने बलात्कार को न होने दिया। आज भी मैं चाहते हैं फिल्म में एक मैटर मेरा अलग भी है कि किसी बहन बेटी के साथ में लफंगे हो बलात्कार नहीं होने चाहिए, ये बहुत घिनौनी काम है, चाहे किसी बेटी हो किसी कौम की हो, ये अन्याय को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, ये बगावत ये हमेशा के लिए ये नुकसान होगा, ये क्या ये ज़्यादा बढ़ेगा तो देश के अंदर क्रांति होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, शासन को अपने कंट्रोल करके इसको ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल अलग फिल्म है, बैंडिट क्वीन अलग एक मुद्दा था, ये फिल्म मलखान जी की बायोपिक है और बायोपिक का फ़र्क ये है कि अब तक जितनी भी फिल्म बागियों पे बनी है चाहे तोमर सिंह हो या फुलन देवी हो, वो मर चुके थे और उनका आगे पीछे कोई नहीं था कि क्या सच है क्या झूठ है। यहाँ पे हमारे साथ में एक फ़र्क है कि साक्षात मलखान जी पूरी फिल्म में हमारे साथ में है और ये एक एक घटना को सच्ची बताए। नहीं फिल्म देखिए, हम तो फिल्म मेकर हैं, हम तो नए नए सब्जेक्ट के लिए तलाश में रहते हैं। जब मेरे सामने एक किताब आई द बैंडिट किंग मलखान सिंह, वो बुक बेस्ट सेलर में थी, 100 करोड़ का बिजनेस किया हुआ था, तो वो अगर वो एक बुक 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है तो फिल्म कितने, तो वो एक इंस्पिरेशन मुझे सतीश कुमार जी ने लेकर आया कि ये मेरे पास में राइट्स है मलखान जी के साथ में, तो मैंने कहा कि चलिए ये फिल्म बनाते हैं और अच्छे लेवल पे बनाते हैं। नहीं कंटेंट लेने का मकसद फ्रैंकली जो मलखान सिंह जी की बायोपिक बनाने का एक ही मेरे सामने जो मैं मोहम्मद रफ़ी बना रहा हूँ बहुत सॉफ्ट सब्जेक्ट है और मैं मलखान सिंह बना रहा हूँ जो हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मुझे ये लगा कि मुद्दा करेक्ट है,
एक फिल्म की कहानी होती है, जब भी हम कोई कहानी लिखे जाती है तो एक कहानी बेस बनती है कि गब्बर सिंह ने ठाकुर की फैमिली को मारा। जब तक गब्बर सिंह को गिरफ्तार नहीं कराया ठाकुर ने, फिल्म एंड नहीं हुई। सोले वैसे ही ये फिल्म एक मंदिर की ज़मीन को लेकर है। इन्होंने बागी बने, बगावत की, गवर्नमेंट के खिलाफ गए, 15 साल चंबल में रहे, इतने सारे लोगों के साथ में इनकाउंटर्स हुए। वो सारा मकसद एक चीज़ को लेकर था, वो था मंदिर। जब उनको प्रशासन ने, अर्जुन सिंह जी ने कहा कि हम आपको ये ज़मीन देते हैं और आप सरेंडर कीजिए, इन्होंने बगैर देरी किए अपने हथियार उनके सामने डाल दिए। तो एक मकसद था, करेक्ट फार्मूला है, एक फिल्म का जो फार्मूला होता है वो करेक्ट था, एक कहानी बनती थी। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, इसमें बगावत है, इसमें मर्डर्स है, इसमें किडनैपिंग्स है, इसमें सारे वो वैल्यूज़ है जो एक फिल्म में लोग देखना चाहते हैं। डेट अनाउंस हम ये जब जिस दिन हम ये जो आज शूट कर रहे हैं फर्स्ट लुक करेंगे, उस दिन डेट के साथ में अनाउंस करेंगे और स्टारकास्ट, मेन स्टारकास्ट के साथ में अनाउंस करेंगे। सब कुछ बता चुके हैं, बताने के लिए है क्या? मलकान सिंह जी खुद अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, इससे अच्छा को और क्या बताएंगे? क्यों नहीं होने चाहिए? अपना नरेशन खुद वो सुनाएंगे। आज तक किसी जीवन में किसी भी बागी पे या कोई भी सब्जेक्ट पे फिल्म बनी है उसमें खुद अपना नरेशन किसी ने नहीं दिया, अपनी स्टोरी किसी ने खुद नहीं बनाई। यहाँ पे हमारे पास सामने है, खुद अपने इस किरदार में अपनी स्टोरी सुनाएंगे। आप भी तो करो कोशिश कछु। आप का चुपचाप बैठे, जो में बहुत दम है आप में, गोली से ज़्यादा दम है आप में है। आप भी लिखिए, पक्षपात मत करिए। मैं तो करेंगे जो कुछ उपाय करेंगे सब। अकेले में चाहते हैं कि फिल्म के मामले में मेरी फिल्म बने। महबूब भाई से अपील है मेरी कि मेरा रोल अंतिम, मेरी इच्छा है कि संजय दत्त से ही होना चाहिए, कोई दूसरे से नहीं होना चाहिए। क्या बात, मेरा भी इसमें, मैं एक कलाकार हूँ और इसमें एक अहम रोल है मेरा भी, और रोल के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे।